श्रोताओं को मेरा प्रणाम। लाइट नहीं है, ठीक है, तो लाइट नहीं है, लाइट का इंतजार नहीं करते और हम कार्यक्रम को ऐसे ही शुरू करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित जितने भी कलाकार हैं और मेरे गुरु जी और सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इसको अवसर प्रदान किया और जिनके स्मृति में यह कार्यक्रम हो रहा है उनके भी चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ और आज कुछ भजन आपको सुनाऊंगा। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? सर्वप्रथम मोहिनी दास जी का एक भजन सुनाऊंगा, सखी सियावरी।
बानी, प्रेम की बानी,
Thank you.
कृष्ण राधा राम सीता हो तो चलेगा, इतना क्यों आप पायलट है, नहीं आ सकते आप छुप के रहते हैं, कोई कोई ना आपसे छुप के आपसे छुप कर आए ऐसा ही है। राम सीता कृष्ण राधा कोई चीज हो तो दिक्कत नहीं, भजन है मुझे आवाज के बाद ये सुनना कितना अच्छा लगेगा नहीं पता।
मेरी एक बार बात हो रही थी, मैं इस बात को यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, साजन गुरु जी से भी कुछ दिन पहले मेरी एक बात हुई थी किसी विषय पर, और उन्होंने मुझे बहुत गुणी इंसान कितनी सरलता से सहजता से पूरे जीवन का सार सामने रख देता है, उन्होंने कहा कि देखो बेटा जीवन और संगीत कलाकार और जीवन कलाकार का जीवन शायद कुछ न कुछ तो अलग होता है, इसीलिए वो मंच के ऊपर होता है और हम नीचे होते हैं। जब कोई स्वर छेड़े और तुम आंख बंद कर अपने आप को उसको दे दो और उस सुर की उंगली पकड़ते हुए तुम चल पाओ, तुम्हारे दिल की धड़कन साथ में चलने वाले लय के साथ साथ चलना मंजूर कर ले, और जो साथ में कोई दूसरा साज छेड़ा जाए वो तुम्हारे हृदय की गति को न मध्यम पड़ने दे न उग्र होने दे, समझ लो जीवन का सार और संगीत वही है। यहाँ पे अनुपस्थिति में मैं ये समझता हूँ कि शायद वो मुझे यही समझाना चाह रहे थे, हम अक्ल ये सुर के लोग हैं, हम असुर के लोग, तो इन्होंने संगीत के माध्यम से साधना के माध्यम से जीवन का सार हमें समझाया है। शायद इसीलिए जीवन की उहापोह से जब हम बाहर खुद को निकालने की कोशिश करते हैं तब ये वो संगीत है जब हमें निष्णात किलोरे मारता है और झुलाता रहता है। और ये वाला झूला सबसे पहले रागिनी दीदी की आवाज़ में मैंने गणेश मंदिर में सुना था, शायद ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपसे और शिल्पायन परिवार के माध्यम से झूले जैसी चीज़ें सुनी, और मैंने अनुरोध किया था कि अगर संभव हो तो ये कर पाएँ। मैं अनुरोध करूंगा अनिल मालवीय जी से, आदरणीय पंडित अनिल मालवीय जी से, संगीत सभा परिवार के अंग हैं और हमेशा हर अनुष्ठान में आयोजन में सभा में आप उपस्थित होते हैं, आप आएँ एवं हमारे कलाकारों का मानवर्धन करें, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। अक्षत प्रताप सिंह इनके लिए जोरदार आदरणीय पूरण महाराज जी ने हमेशा मुझे ये सिखाया है और कहा है, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिलाया है कि ये संगतकारों का भी घर है, इस घर के माध्यम से संगति कैसे की जाती है टूटा गाढ़ है ये पूरे विश्व को बताया गया है, आधिपत्य रख है, तो इसीलिए संगति जब तक संतुलित ना हो, मीठा अति हो जाए, अति सर्वत्र बढ़ जाए, तो कोई भी चीज अति की ना हो और वो बहुत संतुलित हो, बहुत मीठी हो, सादगी से भरी हो, विश्व तुम्हारे उपाय दिखाए। और समवादिनी पर बहुत कुशल सहयोग प्रदान कर रहे थे हर्षित जी, हर्षित उपाध्याय, समान अधिकार है तो इन तालियां बजाएं।